प्रदेश की राजधानी में राजाजीपुरम ताल कटोरा निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भूमाफिया कहे जाने वाले लल्लू यादव को पुलिस ने 5 अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ कई लोग गिरफ्तार हुए। आपको बताते चले, इसका खुलासा ADCP पूर्णेंदु सिंह ने किया। तमाम मुकदमे लल्लू यादव पर हैं, जिस पर राजधानी पुलिस ने कोविड के नियमों के उल्लंघन और आबकारी विभाग के नियमों के उल्लंघन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। आइए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भूमाफिया लल्लू यादव पर काकोरी पुलिस का शिकंजा। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गौरिया खेड़ा में लल्लू यादव और उनके साथी लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी नीतू यादव ने BTC का चुनाव जीता था। अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वो तैयारी कर रहे थे। इस मामले को लेकर लल्लू यादव दारू पार्टी कर रहे थे, जिस पर आबकारी विभाग और काकोरी पुलिस के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह ने बड़ी कार्रवाई की, जिसका खुलासा ADCP पूर्णेंदु सिंह ने किया। हंगामा टाइम्स न्यूज लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। काकोरी पुलिस ने देर रात छापा मार कर भूमाफिया लल्लू यादव समेत उसके 17 साथियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि भूमाफिया लल्लू यादव की शह पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा है। ये सूचना मिलने पर तलाशी के दौरान बाग में छिपा कर रखे गए असलहे भी पुलिस द्वारा बरामद किए हैं। पारा निवासी लल्लू यादव के खिलाफ जमीन कब्जा करने के दर्जनों मुकदमे भी दर्ज है। लल्लू की पत्नी नीतू यादव ने वार्ड नंबर 51 से निर्विरोध BTC का चुनाव जीता है। वह ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भी दावेदारी कर रही है। आरोप है कि नीतू को निर्विरोध निर्वाचित कराने में उसके पति लल्लू यादव ने अहम भूमिका निभाई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी लल्लू यादव पुराना पैतरा अजमाना चाहता था। इस बात की जानकारी वोटरों ने पुलिस को दी थी। इस आधार पर देर रात काकोरी पुलिस की टीम ने बबुरिया खेड़ा स्थित लल्लू यादव के फार्म हाउस पर छापा मारा। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह के मुताबिक लल्लू यादव को उसके 17 साथियों के साथ हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में ADCP दक्षिणी पूरेंदु सिंह ने बताया है कि लल्लू यादव थाना ताल कटोरा का हिस्ट्री शीटर है। उसके विरुद्ध पहले से 72 मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके चालान किया जाएगा। आपराधिक इतिहास और जो अन्य कार्य अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, उसकी जाँच भी की जाएगी। पर सूचना मिली कि भोरिया खेड़ा गांव में कुछ असामाजिक तत्व एक मकान में एकत्र हैं और वो शराब पार्टी कर रहे हैं। उनके पास नाजायज असलहे हैं और वो किसी बड़ी वारदात के अंजाम देने की फिराक में एकत्र हुए हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक काकोरी द्वारा दबिश दी गई। वहां पर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी लोग वहां पर बैठ कर शराब पी रहे थे। उनके पास नाजायज असलहे हैं, जिसमें एक कंट्री मेड पिस्टल, एक फैक्ट्री मेड पिस्टल जिसका लाइसेंस नहीं हुआ, एक राइफल, एक DBBR1 जिसकी कोई लाइसेंस नहीं बरामद हुए, वो बरामद पकड़ी गई है। साथ ही साथ वहाँ पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। और ये सभी लोगों ने पूछताछ में बताया कि ये ज़मीन का काम करने वाले लोग हैं, ये प्लॉटिंग का काम करते हैं। इन्होंने कोई बड़ा सौदा डील किया था, जिसकी खुशी में शराब पार्टी हो रही थी। क्योंकि इन अभियुक्तों का ये कृत्य आबकारी अधिनियम, महामारी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन था। इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज करके मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें से एक गिरफ्तार व्यक्ति लल्लू यादव है, जो थाना ताल कटोरा का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध पहले से 72 मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके इनका कल चालान किया जाएगा और इनका आपराधिक इतिहास और इनके द्वारा जो अन्य अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी करके अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाए।